वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम को कैलकुलेट करेंगे। देखो नील बोर ने क्या बोला था फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। नील बोर ने फॉर्मूला बताया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहे तो हम लोग जूल में भी लिख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसका एनर्जी पता करेंगे। क्या पता करेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी पता करेंगे, इसको हम लोग E1 बोल देंगे। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी को हम लोग E2 बोल देंगे। थर्ड ऑर्बिट को E3 बोल देंगे। फोर्थ ऑर्बिट को E4 बोल देंगे। समझ में आया? अब देखो नील बोर ने यह भी कहा था लोअर ऑर्बिट हैज लेसर एनर्जी हायर ऑर्बिट हैज मोर एनर्जी। वो इससे आएगा, देखेंगे उसको। अब देखो बार बार ये सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग को अगर एनर्जी लेवल बनाने बोलेगा तो हम लोग सर्कल से नहीं बनाएंगे, हम लोग लेवल को हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। बट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्बिट स्ट्रेट है या स्ट्रेट लाइन है, ऑर्बिट सर्कुलर रहेगा, बनाने में आसानी होती है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। सो मेरा E1 ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट ऑर्बिट का n इज इक्वल टू कितना 1, और इसको हम लोग E1 बोलेंगे, ठीक है। इधर मैं ऑर्बिट का नंबर लिखूंगा, उधर मैं वैल्यू लिखूंगा। तो E1 कितना आएगा हाइड्रोजन एटम में, ये किसके लिए कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर होता तो कितना एनर्जी आएगा, कैलकुलेट करते हैं। तो E1 इज इक्वल टू, यहां 1 हो गया तो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, कैसे Z1 N1, तो कितना आया -13.6 आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा, ठीक है, फॉर 1 एटम। तो दिस इज -13.6 EV पर एटम। ये E1 का कैलकुलेशन। अब E2 का करेंगे, E2 का मैं यहां करूंगा, ठीक है। E2 -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन का जेड कितना 1 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट है ना, तो बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, ये आएगा -13.6 बाय 4, दिस विल बी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कीजिए डिवाइड, यही आएगा। सो मीन्स फर्स्ट इज -13.6 एंड सेकेंड इज -3.4, दिस इज n इक्वल टू 2 एंड दिस इज E2 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। अब देखो अब E3 कैलकुलेट करेंगे, E3 क्या हो जाएगा -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर आ गया। इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा आपका -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कीजिएगा यही आएगा, ठीक है। 13.6 बाय 9, ठीक है, यही आना है। तो अपना क्या आ गया E3, n इज इक्वल टू 3, E3 कितना आया -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आप देख रहे होंगे यहां पर गैप ज्यादा, यहां पर गैप कम है, क्यों कम है ऐसा? यहां देखिए कितना डिफरेंस है। अगर आप E1 और E2 के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखेंगे, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस देखेंगे डेल्टा ई, दिस इज इक्वल टू 10.2 करके देख लीजिए। और यहां गैप देखिए, यहां 1.9 का गैप है, तो इसीलिए ये डिफरेंस में ज्यादा बनाया, ये कम बनाया। आप इक्वल बनाएंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, बट वैल्यू आपका देख लीजिए उसके हिसाब से बनाएंगे ना। तो ये आया आपका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है। तो इस तरीके से मैं E4 कैलकुलेट कर सकता हूं, E5 कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, सारा कैलकुलेटेड वैल्यू मैं आपको एक बार लिख देता हूं, ठीक है। घर में आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, सिंपल ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं अब लिख रहा हूं, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, E1 कितना आएगा, -13.6, E2 कितना बोले थे, -3.4, E3 कितना आया था, -1.5, E4 कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आया होगा -0.85। इसको कैलकुलेट कीजिएगा E5 को तो आएगा -0.54। ये सारे जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दिस इज n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस 10.2 का है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस 1.9 का है, यहां पर एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और यहां पर एनर्जी डिफरेंस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। आपको क्या मिलेगा कि एज वी गो हायर अप, डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव लेवल, दो अगल बगल वाले लेवल का डिफरेंस कम होता जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कंजिक्यूटिव एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बार, कहां तक ऊपर जा सकते हैं, एन का वैल्यू कहां तक जा सकता है, एन का वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकता है। लेट से आपको इन्फिनिटी पे एनर्जी पता करना है, तो एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी, एनर्जी व्हेन ऑर्बिट का लेवल क्या है, इन्फिनाइट है, मतलब एन बहुत ज्यादा है। सो दिस इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन क्या, इन्फिनिटी स्क्वायर। हम लोग को पता है एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज जीरो, होना भी चाहिए ना, धीरे धीरे एनर्जी कम हो रहा, देखो -13 से -3, -1, -0.85, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो वो जो इन्फिनिटी है उसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला गया, कहाँ चला गया, इन्फिनिटी में चला गया। अगर लेट से ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में है, तो मतलब एटम के अंदर है या एटम के बाहर है, एटम के बाहर है। व्हेन एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब एन इन्फिनिटी हो जाएगा तो मानेंगे कि एटम इज, इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द एटम। तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर रहेगा तो कितना एनर्जी होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो ये एनर्जी हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो बोलेंगे दिस मच एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट में है तो दिस मच एनर्जी, थर्ड में है तो दिस मच। अब बोला इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द एटम, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब समझिए बात को, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 1, मतलब एनर्जी कितना है, -13.6। और ये मेरा सेकंड ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 2, एनर्जी कितना, -3.4। विच इज मोर, देखो आपको लगता होगा दिस इज मोर, बट दिस इज अ नेगेटिव नंबर एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, -13 लेस देन -3। तो नील बोर ने कहा था ना, हायर हैज मोर एनर्जी, लोअर हैज लेस एनर्जी, तो दिस इज मोर एनर्जी एनर्जी लेवल एंड दिस इज लेस एनर्जी लेवल। अब देखो
यहां से यहां n इज इक्वल टू वन से n इज इक्वल टू टू पे इलेक्ट्रॉन को जाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, मतलब -13.6 एनर्जी है, जब यहां आएगा तो -3.4 होगा, तो एनर्जी गेन करना होगा। कितना गेन करना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ध्यान रखिए, आपसे पूछेगा एनर्जी रिक्वायर टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट दोनों का एनर्जी निकाले, फिर माइनस कर दिया। ये आपको अच्छे से याद रखना है, एनर्जी रिक्वायर्ड। फिर पूछेगा सेकंड से लेके फिफ्थ तक जाने का कितना एनर्जी, सेकंड का पता कीजिए, फिफ्थ का पता कीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। इस तरीके से निकलता है। अब देखो, ये तो हुआ फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, सेकंड से फिफ्थ। लेट से पूछा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, बाहर निकालना है एटम से, तो कितना एनर्जी? सो देखो, फर्स्ट में है तो इतना एटम बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो जीरो, बाहर का मतलब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब उस समय एनर्जी जीरो। सो टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू आउटसाइड द एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी जीरो माइनस दिस, मतलब 13.6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? टू टेक एन इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम, यहां e इन्फिनिटी कितना है? जीरो है। यहां कितना है? 13.6 है माइनस में, तो यहां से यहां जाने के लिए कितना? 13.6 ऐड कर दीजिए, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। नाउ 13.6 फर्स्ट लेवल पे, -13.6 फर्स्ट लेवल पे एनर्जी, फाइनली इन्फिनिटी पे जीरो, तो बाहर जाने के लिए +13.6। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जो एनर्जी होता है वो माइनस में होता है, और इसको अगर मैं इतना ही एनर्जी दे दूं तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अगर ग्राउंड स्टेट पे है, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जो n इज इक्वल टू वन है, इसका एक और नाम है ग्राउंड स्टेट। टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी दिस एनर्जी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यहां पर एनर्जी मिनिमम होगा, बाकी सारे जगह एनर्जी हायर होगा। सबसे कम एनर्जी यहां है, इसीलिए इसको ग्राउंड स्टेट बोले। ये बाकी सारे स्टेट को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज देता तो मैंने बोलूंगा इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट किया। यहां से यहां भेज दिया तो भी एक्साइट हुआ, यहां से यहां भेज दिया तो भी एक्साइट हुआ। नाउ दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट है ये, सेकंड नहीं है। एक्साइटेशन जब होगा तो कहां पहुंचेगा? यहीं तो पहुंचेगा। तो दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। E3 इज कॉल्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। E4 इज कॉल्ड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये ध्यान रखेंगे, क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।